सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आए हुए थे भाई भाभी, और भाभी का था बर्थडे, तो हमने थोड़ा सा रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया था कि वो भी हमारे घर की बहू है, उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाएं हम। तो बस फिर उसको ये चीज़ें पसंद होती हैं, सैलड, रायता, चटनी, टिक्के, पराठे, पूरी पराठे, ये मंगवा लिया था हमने। और तकरीबन रात के 1:45 बजे उसका केक हमने कबाब जिससे मंगवा लिया था वो भी रख लिया था। वह बच्चे और वो सब डिनर कर रहे थे बड़े मज़े से। अपने रेस्टोरेंट से चपटी कबाब मंगवाए थे, और अफगानी बोटी मंगवाई थी, और लबनानी बोटी मंगवाई थी, और बस ये सब खा रहे थे बच्चे। और रहान गाजी जो हैं, इन्होंने खाना तो होता है नहीं कुछ, बस ही बैठे थे मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ, ये सब कर रहे थे। और केक क्योंकि फूड पांडा से ऑर्डर करके हमने मंगवाया था, तो उसमें नाम लिखा हुआ नहीं था, तो वो मैंने छुरी की नोक से बस नाम लिख दिया था उसका, हेरा का। और फिर गर्मी बहुत हो रही थी, फिर हम बेडरूम में ही बैठ गए थे, बेड पर बैठ के सबने केक कट कर लिया था। और ये एक छोटी सी एक फैमिली की गैदरिंग थी, और उसमें थोड़ा सा सेलिब्रेशन था, वो हो गया था, उसे भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे आ जाते हैं, दिल लग जाता है, छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हैं वो बांटने से इंसान के आपस में प्यार मोहब्बत ही बढ़ता है। और फिर ये नेक्स्ट डे रिदा जा रही थी अपने घर, और बस सबका था कि चलो रिदा को छोड़ के आते हैं और बहन के घर चाय पी लेंगे। फिर हम रिदा को छोड़ने जा रहे थे, मुझे कुछ कैश चाहिए था, डॉलमेन मॉल रात के 12 बजे थे, सब बंद था। तो जब सब बंद हो तो मैं सैफी हॉस्पिटल चली जाती हूँ, वहाँ से ATM से निकाल लेती हूँ, सेफ़ और सिक्योर भी है। और फिर ये कुछ जो सा हेल्दी लाइफ स्टाइल चुना हुआ है लाला के लिए, इनको थोड़े से फ्रूट्स कट करके दिए थे, और वो प्यारे बहुत लग रहे थे। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, थोड़े से काले अंगूर थे, मैंगो था, आड़ू था, तो बहुत हसीन लग रहा था देख के। बस फिर इवनिंग में हमें लकी वन जाना था, क्योंकि कज़िन की शादी आ गई है और उसकी प्रेपरेशन चल रही है। तो आपको पता है कि मेरी नीचे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हम दीवाने हो जाते हैं किसी की भी शादी हो, ख़ानदान में बहन भाइयों की सबसे प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, और बचपन सबका एक साथ गुजरा है एक दूसरे के साथ, तो बस बड़ा मज़ा आता है किसी के लिए कुछ करके। और वैसे भी अपने लिए तो सभी करते हैं, असल मज़ा तो वो होता है कि आप किसी के लिए कुछ करके आपका दिल खुश हो, और अल्लाह ने आपको इतना दिल दिया हुआ हो कि जो आप अपने लिए करते हो आप सामने वाले के लिए भी वैसा ही करें और वैसा ही सोचें। सो यहाँ पे मैं आई थी, बोनैंजा गई पहले, मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं साया गई थी, और पता नहीं मैं साया जाती ही हूँ, मुझे बहुत कम चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन बस वो एंटर होती है लेफ्ट हैंड पे पहला स्टोर है, तो यहाँ मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी, मैंने निकलवाई, लेकिन पता नहीं उनमें साइजेस नहीं थे, और ये वाला सूट अच्छा लग रहा था, तो ये इनका जो था वो विंटर वेयर लगा हुआ था। एंड और जबकि समझ है विंटर का तो कोई तो की नहीं बनता, बस बहरहाल फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। और लकी वन बहुत प्यारा है, इन्होंने सजाया हुआ था, बैनर्स वगैरह थे, बड़ी आउट क्लास लाइटिंग की हुई थी, उनकी कोई सेलिब्रेशन चल रही थी एनिवर्सरी की लकी वन की। अच्छा मज़े की बात ये कि हम डाइनर्स भी गए उसे, और डाइनर्स में बस यूं ही चली गई थी। उसकी वजह ये है कि कभी मुझे यहाँ से मेरी मियाँ ने एक सूट ला के दिया था जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है। और ये अपनी कज़िन के वली में जो मैंने ड्रेस पहनना है उसके साथ, मुझे सैंडल लेनी थी नहीं, तो फिर मैं 4 दिन की चली गई थी, और ये जो सैंडल है ये मुझे बहुत 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 पसंद आई थी। ये मुझे इसके साथ बैग्स वगैरह दिखा रहे थे, जबकि ये बैग बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। ये सैंडल इनकी बहुत हसीन है, इसके साथ एंकलेट अटैच है, आप चाहें तो एंकलेट हटा दें, आप चाहें तो एंकलेट के साथ ले लें। और मुझे ये थोड़ा सा कैजुअल कैरी करने के लिए एक बैग चाहिए था, ऑलरेडी मैंने 4 दिन कीथ का बैग पहना हुआ है, लेकिन अब मैंने वो बहुत पहन लिया है, तो मैंने सोचा चलो कोई और बैग ट्राई करते हैं। सो ये ब्राउन वाला मुझे अच्छा लग रहा था, फिर रिदा ने मुझे बोला आप ही अभी भी आपने ब्राउन बैग कैरी किया हुआ है, ये ब्लैक ले लें, ब्लैक आपकी पर्सनैलिटी के भी साथ जाता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, ब्लैक के ले लेते हैं, और अच्छा भी लग रहा था, ईजी टू कैरी भी था। और सुमैया का बर्थडे आ रहा था, उसके लिए सैंडल वगैरह देख रही थी, क्योंकि वो मनहूस मारी बोलती है कि
हील्स पहनी नहीं जाएंगी, हील्स पहनी नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ से बैग और शूज़ ले जाने के बाद जब मैंने घर पे उससे पूछा तो उसने कहा हाँ तो तू ले लेती ना मेरे लिए। लेकिन अब मैं लकी वन से घर आ चुकी थी तो मैंने फिर होल्ड करवा दी उसके लिए यही सेम सैंडल ब्लैक कलर की। और फिर हम खाला भांजी जो हैं वो मटर गश्तियाँ कर रहे थे और ये है ना नेल आर्ट कुछ चल रहा था, मेहंदी का भी था, नेल आर्ट भी था एनिवर्सरी की वजह से। दूसरी तरफ कुछ सिल्क बैंक वालों ने कुछ लगाए हुए थे स्टॉल्स और ये लेवाई से टाटा बाय बाय लेवाई से, यहाँ कभी मैं अपने मियाँ के साथ आती थी, अब उनके पास बेचारे के पास घर आके खाना खाने का टाइम नहीं होता तो हम लेवाइस क्या जाएंगे। खैर बहरहाल फिर हम यहाँ से निकले थे और रिदा में बातें करते हुए जा रहे थे। MTJ भी हम गए, सो MTJ में भी बस जाना और आना ही हुआ। और फिर वहाँ से निकले, ऊपर भी एक स्टोर है इसका आउटलेट है साया का, वहाँ गए। लेकिन सब जगह सेम सेम था, लाइमलाइट भी गए और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या लें क्या नहीं लें। मैंने रिदा को बोला, मैंने कि यार एक काम करते बोनांजा वापस चलते हैं ना। फिर ये ड्रेस जो है मैंने उसके लिए, रिदा ने ये वाला लिया था शायद, हाँ ये रिदा ने लिया था अपने लिए, सॉरी बल्कि ये वाला सुमो का है उसकी बर्थडे के लिए मैंने लिया था। रिदा का भी ब्लैक है, मुझे समझ नहीं आया। और भाई की शादी है जिसकी कज़न की, उधर घर में कपड़े देने थे तो एक सूट चच्ची के लिए लिया, एक कोमल के लिए लिया। और फिर यहाँ से रिदा का भी बर्थडे था तो मैंने कहा मैं अब बार बार आऊँगी नहीं, तुम्हारा अगले महीने बर्थडे भाई अभी से सूट ले लो। फिर यहाँ से चचा के लिए और दोनों भाइयों के लिए सूट ले लिए थे। अब कुछ कॉस्मेटिक थी जो ख़त्म हुई हुई थी और मुझे टॉप फेस की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा डल कलर का चाहिए था, गोल्ड में था मेरे पास, मैंने डल ले लिया था, थोड़ा सा ब्राउन्जर टाइप का था लेकिन वो शाइनी बहुत था तो उससे ब्राउन और ड्रेसिंग पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है चीक्स पे ना, कॉन्टोर भी लगता है और हाइलाइटेड भी लगता है, शार्प फेस आता है। तो बस हम खाला भांजी जो है वो घूमे जा रहे थे और मैंने कंसीलर भी लिया था यहाँ से इनका डल शेड वाला। और फिर अब हम तैयारी कर रहे थे और तकरीबन भी हमें 1.5-2 घंटे हो गए थे यहाँ पे लकी वन में घूमते घूमते और हम लोगों को भूख लग गई थी। फिर आज हमने बर्गर लैब ट्राई किया था, बस रिदा गई, रिदा ने ऑर्डर दिया, मैं तो कहीं भी नहीं गई, हिली भी नहीं, मेरी पैरों की चीखा निकल रही थी, चल 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 गई। तो बस रिदा ले आई थी शेयर बॉक्स, इनका कहलाता है कि बर्गर क्लॉक का, तो हमने वो शेयर बॉक्स ले लिया था। और बस फिर यहाँ से हम शेयरिंग स्केयरिंग करते हुए आ गए थे, मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, मैं वहाँ चली गई थी और रिदा बैठ के थोड़ा सा ये ओवरव्यू कर रही थी। सो गाइस हम लोगों को तो बहुत मज़ा आता है बाहर घूम के निकल के एंजॉय करके, आप लोगों को कैसे लगता है? फिर नेक्स्ट डे जो था सो बस घूमने फिरने के बाद गाड़ी का जो मटका है वो खाली हो गया था और फिर मैंने पेट्रोल जो है वो बस, फिर हम घर पे आ गए थे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।